तूर भाई, सबसे पहले गोल्ड मेडल की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको हमारी और देशवासियों की तरफ से। थैंक यू सो मच जी। एक सवाल मेरे जहन में है, जो मेडल जब से आया तभी से, कि जो जिस तरीके से मेडल आपने टाइटल अपना डिफेंड किया, लास्ट टाइटल और इस टाइटल में कॉम्पिटिशन अदर्स के साथ जो था, वो कितना डिफरेंस देखते हैं आप उसमें? जो मैं लास्ट सॉरी एशियन गेम में किया था, वो मैं पहली थ्रो से ही गोल्ड वाली थ्रो कर दिया था, और जो इस साल मैं अभी रिसेंटली कंपटीशन किया है उसमें मेरी दो थ्रो फाउल हो गई थी, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गया था। तीसरी थ्रो मैंने बहुत प्रेशर में लगाई और लास्ट थ्रो पर मेरा गोल्ड वाली थ्रो हुई थी 20-36 का। मैंने जकार्ता में भी आपको सामने से देखा था, यहाँ भी मैंने देखा, दोनों जगह मैंने आपकी थ्रोस देखी हैं। लेकिन जो अपोजिशन, फिर वही मैं बात कहूंगा आपको, अपोजिशन जो थे, पहले आपकी वाली बात पे आता हूँ, जकार्ता में जब आपने थ्रो की तो अपोजिशन के जहन में थोड़ा सा भय वहीं बैठ गया था कि भाई ज्यादा हो गया है, और यहाँ पर अपोजिशन थोड़ा फ्री एंड थे कि नहीं भाई अभी हम लोग लेवल में हैं। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, कितना डिफरेंस आपको लगा कि कॉम्पिटिटर्स वहाँ आप हैवी मान रहे थे या यहाँ वो प्रेशराइज ज्यादा थे? नहीं, कॉम्पिटिटर मैं इधर नहीं मान रहा था किसी को, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2177 करके एशिया और नेशनल गोल्ड कर आया था। जो लास्ट कॉम्पिटिशन में खेला था ATF में, वहाँ मेरा ग्रोइन ग्रेड 3 इंजर हो गया था, टीयर हो गया था, जिसकी वजह से मेरी 1.5 महीना प्रैक्टिस नहीं हुई, और बस आने से सिर्फ 4 सेशन पहले ही मैं थ्रो स्टार्ट की और उसका रिजल्ट गोल्ड मेडल आया। चलिए एक बार फिर से मुबारक। और जिस तरीके से एथलेटिक्स में हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं, आपकी बार प्रदर्शन किया उन्होंने, तो कई स्पोर्ट्स में हमने देखा है कि आपस में एक ही इवेंट में हमारे खिलाड़ियों का आपस में ही कंपटीशन है, दूसरे प्लेयर्स को छोड़ दीजिए, तो अपने इवेंट में आप कोई कॉम्पिटिटर अपनी कंट्री से देखते हैं या किसी को बेस्ट विशेष चाहते हैं कि जो बड़े आपके साथ हो, खड़ा हो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के अदर्स को कॉम्पिटिट करने के लिए? जी बिल्कुल, मेरा यही एम है भी मैं पहला इंडियन बनूं जो 22+ थ्रो फेंकूं, और जो मेरे जूनियर शॉर्ट पुट कर रहे हैं उनको 20 मीटर और 21 मीटर कुछ भी ना लगे, उनकी सोच 22 मीटर से ऊपर चली जाए। जैसे अभी नीरज ने 89-94 लगाकर, अभी कितने जूनियर बचे हैं 85-84, अभी जैना ने 87+ लगाया है, वही मैं चाहता हूँ। किस तरीके से आप इस इवेंट को यूथ्स में बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ एथलेटिक्स को बहुत कम जाना जाता है, क्रिकेट को सर पे बिठाया जाता है, तो जेवलिन थ्रो में अभी लोग थोड़ा सा अट्रैक्ट होने लगे हैं, तो आप किस तरीके से सोचते हैं कि आपका अगला कदम क्या होगा कि आपके इवेंट को बढ़ावा मिले देश में? जी मुझे लगता है जब हमारे ओलंपिक में मेडल आने लग जाएंगे, जैसे नीरज ने जैवलिन को वर्ल्ड फेमस कर दिया, करेक्ट, अपने इंडिया में अब देखा था भी लोग बैट छोड़ के जैवलिन खरीद रहे हैं, मुझे लगता है जो आने वाली पेरिस ओलंपिक में अपने और मेडल आएंगे तो इंडिया में और ज्यादा हाईलाइट होगा ये। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में तजिंदर सिंह तूर इंडिया की तरफ से वो परफॉर्मर होंगे जो जैवलिन थ्रो इंडिया में बना देंगे दूसरा? मुझे लगता है जो ओलंपिक में अपना मैं हार्ड वर्क करूंगा और अच्छा प्रदर्शन करूंगा, और मैं जो जूनियर बच्चे आ रहे हैं उनके लिए एक अच्छा माइलस्टोन रखूंगा कि आगे आने वाले टाइम में लोगों के हाथ में सॉफ्ट बॉल या फुटबॉल की जगह लोहे का गोला हो। जी बिल्कुल, मैं अरदास तो यही करता हूँ भाई, हमें भी जितनी क्रिकेट को व्यूशिप मिलती है हमें भी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।